प्रधानमंत्री जी ने पीपी किट वगैरह पहन के खुद लैबोरेटरी के अंदर गए थे, खुद देखने के लिए गए थे, देश के वैज्ञानिकों को बुलाया, भरोसा किया, पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन भरोसा किया कि नहीं, लोगों को भरोसा किया जाए, कुछ तो निकालेंगे। हमारे देश में वायरस को दबाने के लिए वैक्सीन भी निकली। उन दिनों में मैं कुछ मेरे जितने जानकार डॉक्टर्स थे दुनिया में, कोई मेरा परिचय जापान में भी था, कोई परिचय सिंगापुर में भी था, कोई परिचय मेरा यूरोप में दो चार देशों में थे, कुछ परिचय अमेरिका में थे, कनाडा में थे। एक बार मैं सबको इकट्ठा करके मैं खुद की तसल्ली के लिए क्या ये कोरोना है समझूं, उनसे बात किया। बहुत सारे वायरोलॉजिस्ट थे, मूलतः से उड़िया भाषा भाषी थे, तो थोड़ा मैंने उड़िया भाषा में उनको समझना चाहा कि ये मसला समाधान का क्या, आप लोगों की एक्सपर्ट ओपिनियन क्या बन रहा है। तो महीना था जून जुलाई का, कोरोना तो ऐसे 2019 नवंबर दिसंबर से चाइना में दिखने लगा था, इसलिए लगभग 6-8 महीना हो चुका था। तो जून जुलाई में मेरे को उस डॉक्टर समूह ने, जून या जुलाई होती है, उस समय में उन्होंने कहा कि साहब इसमें तो वैक्सीन ही चाहिए, उसकी कोई मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन लाना पड़ेगा। तो कैसे होगा वैक्सीन? वैक्सीन तो हमारी मेडिकल साइंस में वैक्सीन की एक्सपेरिमेंट, उसको ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल करके आते आते, यहां जो डॉक्टर बैठे होंगे आप ही बताएं, आपका ट्रेडिशनल मेडिकल नॉलेज क्या कहती है, कितने साल लगता है? 9 से 10 साल। एक दो लोगों ने कहा तो नहीं, ये तो निकल, ये जो वायरस है ना, इसकी जो कैरेक्टर दिखा रहे, तो निकल ही नहीं सकता है। तो हम ये माथे पे हाथ लगाए, यार 9-10 साल, ये तो लॉकडाउन है, कहते हैं बिना वैक्सीन के होगा नहीं, और 9-10 साल से कम नहीं, और कुछ लोग तो कहते थे होगा ही नहीं। तब तो आपने एक चित्र देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने पीपी किट वगैरह पहन के खुद लैबोरेटरी के अंदर गए थे, खुद देखने के लिए गए थे, देश के वैज्ञानिकों को बुलाया, भरोसा किया, पता नहीं था कि क्या होगा, लेकिन भरोसा किया कि नहीं, लोगों को भरोसा किया जाए, कुछ तो निकालेंगे। हमारे देश में वायरस को दबाने के लिए वैक्सीन भी निकली, और आज उस समय में क्या था, देखिए वैक्सीन बड़े बड़े कंपनियों ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी निकाला, फाइजर ही निकाला उन्होंने, जॉनसन जॉनसन ने भी निकाला, और हमारे देश के जो अभिजात लोग हो तो हमारी वाले को नाम पकड़ के उधर ही गए थे, चाइना वाले निकाले थे, रशियन वाले स्पुटनिक निकाले थे। तो हमारी जैसे एक तबका रहता है, एक शब्द नहीं है, जो भारत में जो बनेगा शायद थोड़ा इन्फीरियर होगा, ऐसे उनके मन में रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद इंडियन मेड वैक्सीन लिया, और आज 225 करोड़ डोज, अभी भी हमको सुनने में आता है कि कोरोना की मल्टी लेयर हो रहा है, फिर एक वेव आ गया, अरे कितना वेव आ गया किसी को गिनती अभी नहीं है, कम से कम 50 वेव तो विश्व में कहीं ना कहीं आ चुका होगा। मैं दो एक छोटा सा पीपी किट कहा, एक वैक्सीन और वैक्सीनेशन के बारे में बात कहा। देश एक जन आंदोलन में उसको परिवर्तित किया। मित्रों ये कब होती है, ये कोई प्रशासन के डंडे से नहीं हो सकती, ये कोई स्कीम को सिर्फ चालू करने से नहीं होती है, जब भरोसा आती है, हाँ ये ठीक कर सकता है, इस व्यक्ति के ऊपर हमें भरोसा है, तब वो जो कहते हैं वही हो जाता है।